हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति रंजन और मैंने बनाया प्रीति टेरेस गार्डन। देखिए, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा दूसरा ही वीडियो है दोस्त। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना दूसरा वीडियो बनाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। दोस्तों, बात ये है कि मैं चाहती थी कि मैं पहले खुद एक्सपीरियंस ले लूँ कि मैं कैसे गार्डनिंग करती हूँ, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, फिर उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, अपने पौधे को कैसे हेल्दी बनाते हैं। अगर मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं ली होती तो मैं आपको कैसे बताती। दोस्तों, आज मैंने ढेर सारे एक्सपीरियंस लेके मैं आपके सामने आई हूँ और मैं आपको आपकी समस्या का समाधान भी कर सकती हूँ। अगर आपको टेरेस गार्डन बनाने में कोई समस्या आ रही है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका श्योर जवाब दूंगी। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप मेरे पौधों को देख लीजिए और मैंने अपने पौधे काफ़ी हेल्दी बनाए हैं। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में जब मैं आपको ये बैंगन के पौधे दिखाई थी तब मेरे बैंगन के पौधे छोटे छोटे थे और अब ये देखिए, ये है मेरा ब्रिंजल, ये देखिए और ये देखिए कितने सारे ब्रिंजल आए हुए हैं। और ये इनके फ्लावर भी हैं जो आगे और ब्रिंजल बनने वाला है। और ये मेरा भिंडी है जो बहुत छोटा सा पौधा था, ये देखिए अब ये फल भी दे रहा है। और देखिए, ये भिंडी है और इसकी मैंने 3G कटिंग करी थी और 3G कटिंग करने की वजह से ये तीन एक में तीन पौधा उगाया है। और ये देखिए, सारे पौधों में अभी भिंडी लगने वाला है और हम एक बार दो बार भिंडी ले भी चुके हैं। और ये मेरे सारे पौधे दिखे। और दोस्तों देखो, मैंने अपनी बीज भी खुद सीड तैयार कर लिया भिंडी का। जब मेरा पहला भिंडी हुआ तो मैंने उसको सीड के लिए छोड़ दिया और अब ये दो भिंडी देख रहे ना दोस्त, और इसकी अब सीड बन जाएंगे जिसकी वजह से मुझे बाहर से सीड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ दोस्तों, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आए। क्या आया? वाइट बेल रॉक, देखिए अभी भी कभी कहीं कहीं ये देखो उड़ रहे हैं। ये है ना, ये इन्होंने बहुत परेशान किया। ये देखो, ये देखो, और इसको मुझे रोज़ इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और इसके लिए कुछ नहीं, बस साधारण सा है, एक मेडिकल शैम्पू है, उसको पानी में डाल के मैं रोज़ इन पत्तों को वॉश करती हूँ तो ये इससे बच पाता है। अदरवाइज ये कुछ भी नहीं होने देता। और देखिए, ये देखिए, ये मेरा तोरी का बेल है, ये देखिए मैंने कल ही इसमें से तोरी लिया है। और ये देखिए सारे मेरे भिंडी के, और ये देखिए मैंने मूली भी लगा रखा है, ये देखो दोस्त। और देखो, ये देखो, ये मेरे करेला है, ये देखिए करेला, ये मेरा करेला भी हो रहा है, ये देखो, ये देखो मेरा करेला। और ये देखो, ये मेरा तोरी है, ये भी हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा। ये मैंने सीम का पौधा भी अब लगा दिया है। और मैंने ये देखो, ये मेरा ब्रिंजल का एक और पौधा है जो ये भी ग्रो करके ये भी हो रहा है। ये देखो ये भी हो रहा है, देखो ये देखो। और ये देखो, ये मेरा मिर्च का पौधा है, ये भी इतना बड़ा हो गया है। हाँ, इसमें कठिनाइयाँ तो आती है और हमें इसके लिए जूझना भी पड़ता है। और ये देखो दोस्त, ये मेरा एक देखो ये प्लांट है, इसको अफ्रीकन लीली बोलते हैं, ये भी मैंने उगा रखा है। देखो, ये मॉनसून में ही सिर्फ इसी सीज़न में इसके फ्लावर आते हैं। ये मेरा बहुत अच्छा ये फ्लावर हो गया है। लोहिया का फली है जो हो रहा है, ये देखो। और ये मेरा ब्रिंजल है, ये भी हो रहा है ना, ये काफ़ी ग्रो हो गया है। और ये देखो, ये मेरा एक भुट्टा भी हुआ है, ये देखो दोस्तों, ये भी होने वाला है। और ये देखो, ये करेला है, ये देखो ये करेला है, इसमें भी करेले लग रहे हैं, ये देखो दोस्तों प्यारे प्यारे करेले लग रहे हैं। और ये आगे भी होने वाला है, ये देखो ये करेला है, ये करेला हो रहा है, देखो दोस्त। और ये मेरा भिंडी है। और ये सारे इसलिए ये संभव हो सका है क्योंकि अब हम अपने घर के जितने वेस्टेज हैं, छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, आम के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, ये सारे हम इसमें ड्रम में इकट्ठा करके और इसे वेस्ट कंपोस्ट बनाया जाता है।
और इसी की वजह से सारा संभव हो सका है और इसकी वजह से हमारे पौधे इतने हेल्दी हैं। और ये हमारा बहुत ही एक बचपन का सपना था, मुझे पौधे लगाने बहुत अच्छे लगते थे, पौधों को ग्रो करना बहुत अच्छा लगता था और ये सपना मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना पूरा हो गया। और मॉर्निंग में आके जब मैं इन पौधों की देखभाल करती हूँ, यहाँ पे योगा करती हूँ, तो मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है।